ये देखिए हम एंटर कर गए गंगा नदी में। वाह काफी कमाल शानदार लग रहा है, दूर दूर तक जो नजारा है काफी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे हम रुके हुए हैं जो कि है गंगा नदी के अंदर। ऐसे गंगा नदी में जो पानी आ जाती है फिर जो भाई ये सड़क है ना पानी के अंदर समा जाती है, डूब जाती है। यहाँ पर जो नया लुक है ना इस महात्मा गांधी सेतु का गजब का है, गजब का मस्त बेहतरीन बहुत खूब। वाओ नाइस हाउस। और हाँ देखिए मैं इसी का बात कर रहा था, महात्मा गांधी सेतु की तरफ जो की जाती है पटना तो और भी मजा जाती है। वाओ नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल, वाओ मजा आ गया। दोस्तों आज के इस राइड को शुरू करते हैं इस मुजफ्फरपुर स्टेशन के पास से, और ये आपके सामने में मुजफ्फरपुर स्टेशन। और अभी करीब दिन के 1 बज रही है और अभी यहाँ पे देखिए ट्रैफिक है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रही है हमें। और जल्दी से अपन निकलते हैं सिटी से बाहर और फिर हम आपको बताते हैं कि अपन कहाँ जा रहे हैं। अभी अपन है मोती झील के ऊपर वाला ओवर ब्रिज है उसके ऊपर, और यहाँ से अपन निकलेंगे अगोरिया बाजार से सीधे होते हुए रामदयालु की तरफ। और रामदयालु में अपन पकड़ने वाले हैं एनएस जो कि हमें ले जाएगी अपने मंजिल की ओर। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, तो कैसे बैठा। दोस्तों अभी अपन आ गए हैं मुजफ्फरपुर के शहर के बाहर और अभी हम हाईवे के ऊपर और जा रहे हैं यहाँ से पटना। पटना बेसिकली अपन जाएंगे यहाँ से जाएंगे वैशाली और वैशाली से जाएंगे अब पटना। इसीलिए आज का तो राइड काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वैसे इस सड़क पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, इसीलिए आवाज़ साफ साफ आपको नहीं सुनाई पड़ी होगी। इसलिए अपन इस हेलमेट को अपने सर पर पहनते हैं और इस राइड को कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो अभी अपन आपको स्विच कर लिए हमारे गोपड़ों पे जो हेलमेट लगा हुआ है और यहाँ से अपन निकल गए हैं भाई। मुजफ्फरपुर से जो पटना है बेसिकली 80-85 किलोमीटर है और यहाँ से तकरीबन हम लोग 1.5 से 2 घंटे के अंदर में पहुँचने वाले हैं पटना। बने रहिए वीडियो लास्ट तक। दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले जब आप वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। दोस्तों ठंडे के मौसम में राइड करने का अपना अलग ही मजा होता है, जब ऐसे धूप खिले हो ऐसे सड़क हो और इतनी सारी हरियाली आसपास देखने को मिल रही हो भाई मजा आ जाती है ऐसे राइड करने में। और देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज जो बिजली का खंभा है वो क्रॉसिंग किया है, पोल है जो क्रॉसिंग किया है ये वाले, और अपने यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये जो एनएच है काफ़ी खूबसूरत है और इसमें काफ़ी अच्छे से लाइटें एनएच के दोनों साइड में लगा हुआ है। देखिए सामने में हमारे पास यहाँ पे एक ओवरब्रिज जाने वाला है और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कितने अच्छे से इस ओवरब्रिज का डेकोरेटिंग किया गया है, सजावट किया गया है इस अच्छे से लाइट को लगाने के बाद। और यदि आप शाम को या रात को इस हाईवे से गुजरते हैं तो और भी मजा आ जाती है। वाह नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल, वाह मजा आ गया। देखिए कितना अच्छा सा फ्लाई यहाँ पे लगा हुआ है, काफी मजा आ रही है। और यहाँ पे पुलिस चेकिंग का बैरियर लगा हुआ है और आई थिंक जो रास्ता है यहाँ से जाती है सीधे लालगंज की तरफ। और लालगंज वाले भाइयों व्हाट्सएप स्वागत करता हूँ आप सभी को एसी पी ब्लॉग्स के एक नए एपिसोड में, नए वीडियो में। और देखिए छपरा 91 किलोमीटर, पटना 51 किलोमीटर, हाजीपुर 32 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपन यहाँ से आगे और एंटर करते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको बगल में हाईवे के बगल में केला का जो पेड़ है वो दिख रहा है आपको क्या भाई? यहाँ तो हाईवे के दोनों तरफ केला का जो पेड़ है बहुत सारा लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, मजा आ रही है इस राइड को करने में।
भाई वैशाली जिला में एंटर करते ही हमें यहाँ पे काफी अच्छा अच्छा ग्रीनरी देखने को मिल रहा है इस हाईवे के दोनों तरफ। भाई अच्छा लग रहा है देखने में, यदि आप मुजफ्फरपुर से पटना आते हो तो आपको ये सारे नज़ारे हैं, जो सारे दृश्य हैं आपको दिखने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ मुजफ्फरपुर से आगे निकलेंगे पटना के लिए, तो आपको यहाँ पे भगवानपुर से आगे और मुजफ्फरपुर से 15 किलोमीटर जस्ट पीछे आपको यहाँ पे एक टोल प्लाजा मिलने वाली है, और टोल प्लाजा को भी अपन क्रॉस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल ही नहीं है, और देखिए यहाँ पे अपन लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं साइड से इस टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे, क्योंकि दो चक्का वाहनों के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो टोल टैक्स भरने के लिए लाइन में लगी हुई है। ये रहा वो टोल प्लाजा राइट साइड में, और अपन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी अपन है वैशाली जिले में और पहुँचने वाले हैं हाजीपुर, और हाजीपुर के पास जो ऑफिस बना है ना भाई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पटना यहाँ से 20 किलोमीटर है और छपरा यहाँ से 60 किलोमीटर। तो अपन क्या करते हैं इसे ओवरब्रिज को पार करते हैं, जैसे अपन ओवरब्रिज को पार करेंगे तो वहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगी हाजीपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से मिलने वाला लेफ्ट जो कि जाएगी सीधे महात्मा गांधी सेतु की तरफ। और आप भी जब चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, खगड़िया हो, मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो कटिहार हो, आपको यहाँ से जो है ना हाजीपुर से सीधे इस हाईवे को छोड़ के आपको लेना है डायरेक्ट लेफ्ट, और आप चले जाएंगे महात्मा गांधी सेतु की तरफ जो कि जाती है पटना। और हाँ देखिए मैं इसी का बात कर रहा था, यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे लोग आधा किलोमीटर डायरेक्ट सीधे तो आपको मिलने वाली है हाजीपुर जंक्शन, और यहाँ से हम फिलहाल लेने वाले लेफ्ट यानी क्या। यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है और अपन जाम का सामना कर रहे हैं यहाँ पर अभी भी। देखिए इधर जो है ना सामने में मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा तिरंगा लगा रहा है, वहाँ पे है हाजीपुर स्टेशन, और अपन यहाँ से निकल रहे हैं सीधे पटना के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी सेतु पर जो एक लेन था पूर्व साइड का वो अभी रिपेयरिंग का काम उससे चल रहा है, और जो पश्चिम साइड का लेन था उसका काम पूरा हो गया इसलिए उसको खोल दिया गया है, और इसीलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से, और इसलिए अपन निकलने वाले हैं यहाँ से पीपा पुल के ऊपर से। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाम लगा हुआ है, क्योंकि सामने जो है ना भाई 5 किलोमीटर के बाद महात्मा गांधी सेतु पुल आने वाला है, क्योंकि अभी एक ही लेन चालू किया गया है और इसीलिए अभी जाम लग ही रहा है यहाँ पर। वाओ नाइस हाउस। दोस्तों यहाँ से करीब आधा किलोमीटर है गांधी मार्ग से, तो और यहाँ से अपन लेफ्ट लेते हैं और चलते हैं नीचे पीपा पुल की तरफ, जो कि हमें हमारा तो जर्नी है उसको आसान बना देगा। और यदि अपन जाएंगे ऊपर से पुल के ऊपर से तो काफ़ी यहाँ पे देखिए जाम लगा हुआ है, इसलिए अपन नीचे से गंगा नदी को पार करेंगे। देखिए यहाँ से जो है ना ये जो पुल है स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से महात्मा गांधी सेतु पुल स्टार्ट हो जाती है, और अपन अभी जस्ट उस महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे है और जा रहे हैं पीपा पुल के ऊपर एंटर करने के लिए। और देखिए यहाँ पर जो नया लुक है ना भाई इस महात्मा गांधी सेतु का गजब का है, गजब का मस्त बेहतरीन बहुत खूब। और जब से ये लेन को चालू किया गया है तब से मैं पटना नहीं आया हुआ था, और इसीलिए जो पहली बार मैं इस लेन पे अभी गाड़ियाँ चलता हुआ देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और आई थिंक आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जैसे आप पटना एंटर करेंगे ना फिर आपको ये पुल सबसे पहले मिलने वाला है, जो कि हाजीपुर से पटना को जोड़ती है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल है। वाओ व्हाट अ वंडर व्यू। और यहाँ पे जाम लगा हुआ छोटा सा, और अपन जाम को क्रॉस कर रहे हैं, और देखिए नीचे में थोड़ा सा कीचड़ भी है इस सड़क पे। निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से निकल जा, हाँ 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 निकल गए, चलिए निकल गए अपन यहाँ से। वाह इस तरह की चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि गांव घर से जो चीज़ें हैं लोहार वाली जो वो भट्टी होती थी और लोहा यहाँ पे तबाह जाता था, ये वाला चीज़ हमें अपने मधुबनी में बहुत ही कम मिलता है यहाँ पे। देखे दोस्तों अगर अपन हाजीपुर आए और केला के बगान ना देखे तो क्या देखे। और देखिए यहाँ पे
गंगा किनारे बहुत सारे गांव बसा हुआ है और उस गांव में जो है ना सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो होती है केला की। और भाई जो हाजीपुर का जो केला है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वाह क्या खेती है केला की। देखो भाई यहाँ तो चारों तरफ हमें जो है ना केला ही केला दिखाई दे रही है। और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। और लेफ्ट लेने के बाद हमें फिर से यहाँ पे राइट लेना है तब अपन चले जाएंगे पीपापुर की तरफ। और देखिए ये जो लेन हमारे साथ आप देख रहे हैं ये वाले ये है पुराना वाला लेन जिस पर अभी फिर से काम चला स्टार्ट हो गया है। और जो राइट साइड में बना है उस तरफ वो है नया वाला लेन जो कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर कितना खूबसूरत बनाया गया है। इस लेन में आपको छोटा सा ड्रॉबैक ये मिलेगा भाई क्योंकि इस लेन में जो है ना धूल काफ़ी उड़ता है। ये रहा महात्मा गांधी से तो ये है सड़क जहाँ पे धूल काफ़ी तेजी से उड़ रहा है। और देखिए मेरे लेफ्ट साइड में बहुत सारे खेत हैं और जो आप खेत देख रहे हैं ना वो तैयार किया गया है केले की खेती करने के लिए। और देखिए जितना भी दूर दूर तक आप लोगों ने चढ़ा हुआ उधर सभी जगह केला का बागान है केला का खेती होता है यहाँ पे। वाह हाजीपुर इसलिए फेमस है भाई केला की खेती के लिए। भाई यहाँ से आपको नदी वाला एहसास आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से लेने वाले लेफ्ट देखिए पहले जो पीपा पुल हुआ करता था ना जस्ट इस सामने हुआ करता था यहाँ पे लेकिन अभी जो पीपा पुल है थोड़ा सा आगे खींचा गया है पूर्व की तरफ। और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा है। नीचे से अगर आप जाएंगे ना फिर आपको धूल का सामना भाई करना पड़ेगा यहाँ पर। और देखिए इस गंगा नदी के नीचे जहाँ पर पानी अभी नहीं है वहाँ पे मिट्टी और ईंट से अभी सड़क बनाया गया है टेम्पोरेरी सड़क बनाया गया है। और जैसे ही गंगा नदी में जो पानी आ जाती है फिर जो भाई ये सड़क है ना पानी के अंदर समा जाती है डूब जाती है। और देखिए यहाँ से जो पुल का भाई नज़ारा है व्यू है काफ़ी अच्छा लगा देखने में। वाह बेहतरीन बहुत खूब मज़ा आ गया। और देखिए यहाँ तो भाई गोवा जैसे बीच वाली फीलिंग आ रही है। गांधी जी नदी के बीच सूखा हुआ बालू ये तो गोवा के बीच जैसा फीलिंग आ रही है इधर। दोस्तों यहाँ पे हम रुके हुए हैं जो कि है गंगा नदी के अंदर और यहाँ पे अपन पीपा पुल को पार करने वाले हैं। और मेरे राइट साइड में ये है महात्मा गांधी सेतु पुल और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी सेशन करेंगे और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपन चलते हैं बाइक को वहाँ लगाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। साथ में मैं DSLR भी लाया हूँ इसलिए फोटोग्राफी करने में मज़ा आएगा। और ये जो फोटोज है आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पे और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है LVS/TOTE। दूर दूर तक का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट तो यहाँ से अपन निकल रहे हैं फिलहाल और एंटर करते हैं पीपा पुल के ऊपर। यहाँ से होती है पीपा पुल स्टार्ट। और देखिए इस पीपा पुल जैसे अपन गाड़ी दोहराएंगे ना देखिए कैसा आवाज आएगा। वाह मज़ा आ रही है काफ़ी अच्छा बेहतरीन बहुत ही खूब। और ये देखिए हम एंटर करके हैं गंगा नदी में और देखिए वाह वाह काफ़ी कमाल शानदार लग रहा है। और क्या होती है जैसे गाड़ी आती है जाती है ये जो पीपा पुल है ना ऊपर नीचे ऐसे फ्लोट करती है क्योंकि पीपा पुल फ्लोटिंग करती है पानी के ऊपर। चलिए किसी दिन आपको स्पेशली इस पीपा पुल का और जो यहाँ पे पटना के अंदर जो गोवा जैसा बीच है उसका आपको वीडियो मिलने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ जब गाड़ियाँ आ रही है जा रही है तो ये जो पीपा पुल है ऐसे ऐसे लचक मार रही है जो कि थोड़ी सी बॉडी को सिराती है हल्का सा डर लगता है अपन को इसमें बाइक राइड करने में। ये देखिए वाह वाह मज़ा आ रही है। और पहले जब पीपा पुल हुआ करता था तो यहाँ पे हम लोग ऊपर होते थे लेकिन ये जो पीपा पुल है बस इधर अभी हो गई है। देखिए वो गाड़ियाँ जैसे निकल रही है ना बिल्कुल लचक मार रही है पीपा पुल। और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है इस गंगा नदी के अंदर। और यहाँ पे जो पीपा पुल है समाप्त हो जाती है और यहाँ हम आ गए हैं भद्रघाट के पास यानी कि पटना के अंदर अपन एंटर कर गए हैं। वाह भाइयों
पहली बार आपको इस चैनल पे पटना का वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ पटना में। वाह, यहाँ का जो व्यू है काफी कमाल का है, और पीछे का जब आप व्यू देखोगे ना वो भी काफी कमाल का है। चलिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इसके लिए देने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हो जो खंभा बन रहा है, पिलर बन रहा है, ये पटना सो कॉल्ड पटना मरीन ड्राइव यहाँ बन रहा है, जो कि काफी कमाल लगने वाला है। और यहाँ से अपन अब सिटी के अंदर एंटर करने वाले हैं, यहाँ से अपन राइट लेंगे और चलते हैं, एंटर करेंगे पटना सिटी के अंदर। और यहाँ पे देखिए दीवार पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना गया है, जो कि मिथिला पेंटिंग्स है। भाई ये जो पेंटिंग्स है हमें देख करके बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि अपन मिथिला से बिलोंग करते हैं, और उसमें मिथिला से कहाँ से, हार्ट ऑफ मिथिला मधुबनी से। दोस्तों अभी अपन एंटर कर गए पटना सिटी में, और ये है बिहार सर्वेक्षण कार्यालय यहाँ पे पटना सिटी के अंदर। देखिए दीवारों पे कितना अच्छा अच्छा जो मिथिला पेंटिंग्स है वो बनाया गया है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं गायघाट। दोस्तों अपन गाय घाट में पहुंच गए हैं, और अपन निकलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। और एक बार फिर आप सभी को ऑफिशियली स्वागत करता हूं इस पटना सिटी में, पटना शहर में, बिहार का ये राजधानी। और आपको आने वाले कुछ वीडियो में मिलने वाले पटना शहर का टूर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और पटना के अंदर कितनी सारी चीज़ें देखने लायक है, जिसे आप यदि पटना आते हैं तो उसको विजिट कीजिएगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई फिर से पटना की जो पुरानी यादें हैं फिर से ताज़ा होने वाली है हमारी,